हेलो माय डियर सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक क्राफ्ट बुक का ये क्राफ्ट करेंगे। ये पेज नंबर 20 का क्राफ्ट है। इसमें ही चीता दिया हुआ है जिसमें हमें येलो कलर फिल करना है। देख, इस तरीके से पूरा फिल कर रही हूँ, आपको भी इसे ऐसे ही पूरा फिल करना है। और हमें कलर इस तरीके से करना है कि वह बाउंड्री से बाहर नहीं निकले। हम चीता के अंदर पूरे अच्छे तरीके से इसको कलर करेंगे क्रियॉन से। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे होंगे, इसमें हमें बिंदी पेस्ट करना है। वैसे तो इसमें ब्लैक कलर की बिंदी पेस्ट करना है। मेरे पास रेड कलर की बिंदी है, इसलिए मैं रेड कलर की बिंदी इस पर पेस्ट कर रही हूँ। आप सभी को भी इसी पैटर्न में बिंदी पेस्ट करनी है चीते पर। अगर आपको ब्लैक कलर की बिंदी मिल जाती तो और अच्छी बात है। और देखिए, हमारा क्राफ्ट बिल्कुल रेडी है। आपको भी इस एक्टिविटी को ऐसे ही पूरा करना है। हेलो माय डियर सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक क्राफ्ट बुक का ये क्राफ्ट करेंगे। ये पेज नंबर 20 का क्राफ्ट है। इसमें ही चीता दिया हुआ है जिसमें हमें येलो कलर फिल करना है। देख, इस तरीके से पूरा फिल कर रही हूँ, आपको भी इसे ऐसे ही पूरा फिल करना है। और हमें कलर इस तरीके से करना है कि वह बाउंड्री से बाहर नहीं निकले। हम चीता के अंदर पूरे अच्छे तरीके से इसको कलर करेंगे क्रियॉन से। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे होंगे, इसमें हमें बिंदी पेस्ट करना है। वैसे तो इसमें ब्लैक कलर की बिंदी पेस्ट करना है। मेरे पास रेड कलर की बिंदी है, इसलिए मैं रेड कलर की बिंदी इस पर पेस्ट कर रही हूँ। आप सभी को भी इसी पैटर्न में बिंदी पेस्ट करनी है चीते पर। अगर आपको ब्लैक कलर की बिंदी मिल जाती तो और अच्छी बात है। और देखिए, हमारा क्राफ्ट बिल्कुल रेडी है। आपको भी इस एक्टिविटी को ऐसे ही पूरा करना है।